राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को राज्य के महानगर पालिका चुनाव के संदर्भ में अहम परिपत्र जारी किया। इसके तहत 17 मई को अंतिम प्रभाग रचना का प्रारूप शासन के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे में साफ हो गया है कि आगामी मनपा चुनाव 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से ही होने वाले हैं। इसी के साथ ही वार्ड या 2 सदस्यीय प्रभाग रचना को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी विराम लग गया। नागपुर सहित 14 महानगर पालिका में चुनावी बिगुल जून अंत में बजने के आसार बन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सप्ताह में घोषित करने के आदेश दिए थे। उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से संबंधित परिपत्र जारी किया गया। गौरतलब है कि मनपा की तरफ से प्रभाग प्रारूप को लेकर जारी प्रक्रिया के बीच 11 मार्च 2022 को राज्य सरकार ने प्रभाग रचना को लेकर अधिनियम में सुधार करने वाला बिल लाया था। सुधार उसके बाद संबंधित प्रभाग प्रारूप को रद्द किए जाने की घोषणा कर दी थी। इसकी वजह से चुनावी प्रक्रिया थम गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई को आदेश देते हुए चुनाव आयोग के 10 मार्च तक हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा। उसके बाद चुनाव आयोग ने परिपत्र जारी किया। 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव होने की वजह से इस बार 52 प्रभाग होंगे। पिछली बार की तुलना में इस बार 5 वार्ड बढ़ाकर 156 कर दिया गया है। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।